नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं। तो इसमें अभी तक 8 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये आपका 9वां और लास्ट चैप्टर है, हमारा पर्यावरण की जो बुक्स है उसका ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान को कवर करने के बाद हमारी कक्षा 6वीं की वो कक्षा 7वीं की सभी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग कक्षा 8वीं की बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, याद रखना कक्षा 6वीं में हमें 4 बुक्स पढ़नी थी, वो कक्षा 7वीं में भी हमें 4 बुक्स ही पढ़नी थी। ठीक, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे भी हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में यहाँ कभी कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यह आपकी रेगिस्तान की परिभाषा कर लीजिए। बात करते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं आपके अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा। याद रखिए कि हम लोग मानचित्र का जो पार्ट था उसे कवर कर चुके हैं, उसमें सबको दिखाया गया है मैप्स में कि कहाँ कौन सा मरुस्थल है, कौन सी नदी, पूरा आपका जो मैप्स का पार्ट होता है उसे हम लोग कवर कर चुके हैं पूरी तरह से। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपको मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले तपोवित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी से जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ के, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये आपका सहारा मरुस्थल, यही आपका ट्यूनिशिया होगा, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, ठीक, लाल सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका अफ्रीका, सोमालिया गणराज्य तक फैली हुई है, इरिट्रिया। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
सहारा के अल-अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब? 1922 में। बात करते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरे द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं सहारा मरुस्थल के। लोगों की बात करें, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं, जो विभिन्न भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से रोटी, सॉरी पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त होता है, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कपल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां, गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ आपका चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में आपके लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैसों के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यहां देख लेते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वह मरुद्धान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह उद्यान मरुद्धान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेपिला लेट मरु उद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्धान, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। रेगिस्तान आपके गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, तो रेगिस्तान का ये मतलब मत निकालिए कि गर्म स्थान को रेगिस्तान कहते हैं, ठंडे प्रदेश को भी आप लोग रेगिस्तान बोलते हैं। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बेहद हिमालय में स्थित लद्दाख का एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें आपकी सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड गौच का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गिंगी हिमानी है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है।
शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय में कि वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे बड़े ठंडे स्थानों में से एक है आपका द्रास, लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है आपका। देखिए, यह आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सियाचिन हिमनद, इंडस नदी, सहयोग नदी, सिंधु नदी, यही जास्कर, गिलगित। अब इसे दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, तो अब लद्दाख में पड़ता है। पहले जम्मू और कश्मीर एक थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इससे आपका चीन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। आगे बात करते हैं, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलाने वाले सूर्यताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आप पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब बात करते हैं हम लोग वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, बिलो, पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें आपका रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नो कॉक, रेवन हो यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। अब बात करते हैं यहाँ के मनुष्य, जो लोग रहते हैं उनके बारे में। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोरपा के साथ स्थित। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं आपके हेमिस, थेक्से, से, लामा, यू, यूरू। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलू पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, याद रखना है, जनरल नॉलेज के लिए। ये ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या ये आपका थेक्सी मठ, बौद्ध मठ। मनाली ले राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचा ला, लुनगा लाचा ला, टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यह आपका बारालाचा ला। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, बाहिमनदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन रहा है।
लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। याद रखिए, अगर आप लोग प्रकृति से समन्वय रखते हैं, उसके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, तो आप लोगों को कभी भी समस्या खड़ी नहीं होगी आपके सामने। ठीक है, जहाँ हम लोग उससे छेड़छाड़ करेंगे वही हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। ये प्रकृति हमारी पर्यावरण उसी तरह है जिस तरह मधुमक्खियों का आपने वो जाल देखा होगा। जब तक हम लोग उसे परेशान नहीं करते हैं, उसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनती। जैसे ही हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, वो बड़े स्तर पर वाली मुसीबत खड़ी कर देती है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चाहे आपकी पीडीएफ डालिए दी थी टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो याद रखिए हमारी अब कक्षा 7वीं की सभी और कक्षा 6वीं की सभी हम लोग बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कक्षा 6वीं की हमें 4 बुक्स देखनी थी, जिनमें आपका शामिल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, हमारा अतीत भाग 1, पृथ्वी हमारा आवास, विज्ञान। ये कक्षा 6वीं की 4 बुक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। कक्षा 7वीं की हमारे लिए 4 बुक्स कौन कौन सी हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, हमारा अतीत भाग 2, हमारा पर्यावरण और विज्ञान। इनमें से हम लोग 3 बुक्स आपकी कंप्लीट कर चुके हैं इसे मिलाकर। अब बची हमारी विज्ञान, तो हम अगले अध्याय अगले लेक्चरों में बात कर लेंगे विज्ञान के बारे में। ठीक है।